मेरी जो एज है 42 ईयर ओल्ड है और अभी रनिंग है और प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। गाइस तरुण क्लासिक चैंपियनशिप है दिल्ली में और हम यहाँ पे आए हैं। एक मेरे पुराने जानकार डॉक्टर सुरेश भी यहाँ पे थे तो हमने सोचा उनसे और उनकी वाइफ से हम बात करते हैं कि चल क्या रहा है, क्या जरूरत है इस गेम की और जो मार्केट में धारणा है इस गेम की वो क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी और डॉक्टर मैडम साहब ने भी दोनों ने बताए हमें और वो हम इस आप पेशे से डॉक्टर हैं राइट? एक्चुअल मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो मैं बीएमएस पास आउट हूँ बट एक्चुअल जो मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट में जो डेजिग्नेशन है वो मेरा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है जिसका फुल नेम है एमपीएसडब्ल्यू बोलते हैं शॉर्ट नेम में, वैसे फुल नेम उसका है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। और मैं पीएससी वजीराबाद सेक्टर 52 में पोस्टेड हूँ और तकरीबन मेरे को 16 ईयर हो गए हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए। मैं 2005 से और कंटिन्यू हूँ अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में और साथ के साथ ये पैशन है कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो ये है तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग और साथ में सिविल सर्विसेज वगैरह आईबीबीएफ के जितने भी गेम हैं मैं पर ईयर मतलब पार्टिसिपेट करता हूँ और लास्ट 3 ईयर से तो मैं मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आईबीबीएफ का। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की सर एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग क्यों, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का सिस्टम ये है कि एक माइंड सेट करती है। ये माइंड सेट मीन्स कि एक जुनून जिसको बोलते हैं हम लोग कि भी हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक कुछ गेम ऐसे हैं बहुत हार्ड है जैसे लाइक बॉडी बिल्डिंग सबसे हार्ड गेम है तो अदरवाइज जो और गेम है उनमें क्या है कि लोग आराम से खा पी के इंजॉय करके सब कुछ कर लेते हैं बट ये गेम एक ऐसा टफ गेम है कि जिसमें खतरनाक सैक्रिफाइस बिल्कुल बिल्कुल इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है जिसमें कि आप सोच नहीं सकते कि लोग मतलब हम लोग इमेजिंग मतलब लोग इमेजिंग नहीं कर सकते कि वो लोग बोलते अरे यार बड़ी मस्त बॉडी है। तो मस्त बॉडी के पीछे जो बंदे का डेडिकेशन है वो सैक्रिफाइस है, डेडिकेशन है, सब कुछ है और कि कब तक क्या खा पी नहीं सकते हैं, शादियों में जा नहीं सकते हैं, दोस्तों के साथ डिनर्स और पार्टीज नहीं कर सकते हैं राइट। लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से तो ये सिचुएशन है कि लोग जैसे न्योता देते बोलते हैं यार डॉक्टर साहब को तो न्योता दिया ना दिया बराबर है आना तो है नहीं बंदे ने तो क्योंकि वर्कआउट के बाद बहुत हैवी वर्कआउट होता है, वर्कआउट के बाद रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप सोचते हो मॉर्निंग में फिर आपको वर्कआउट करना तो आप जितना भी आपके पास टाइम है आप टोटली इसमें जो भी आपकी प्रॉपर डाइट है आप करके और आप रेस्ट करें। इस गेम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बंदा विल पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है एक बॉडी बिल्डर कि आप जब जो चीज़ चाहे किसी भी चीज़ को आप सब कुछ छोड़ सकते हैं क्योंकि एक बॉडी बिल्डर 2 से 3 मंथ्स तक 0 कार्ब पे रह सकता है। ठीक है लास्ट के 5 डेज तो ये मान लो कि आप पानी वगैरह बिल्कुल होल्ड होता है आप आधा लीटर पे या कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 2 कैलकुलेशन करके रखते हैं कि भाई मेरे को तो सिर्फ ये 1 गिलास पानी पीना है 2 डेज में तो वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं और वो लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग 100% सक्सेसफुल। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी हम मैं नॉर्मल लोगों से मिलता हूँ बात करता हूँ और कुछ लोग मेरे को बोलते हैं जिनकी बॉडी नहीं कुछ नहीं जिम जाते नहीं वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो कहते हैं ऐसी बॉडी मुझे नहीं बनानी और मुझे थोड़ी हंसी आती है सोच के कि ऐसी बॉडी तुझे बनानी नहीं ऐसी बॉडी तेरी बन सकती नहीं विद द लाइफस्टाइल दैट यू हैव। तो ये लोगों का क्या परसेप्शन है कि ऐसी बॉडी मुझे बनानी नहीं ठेले पे मिलती ऐसी बॉडी सर उन लोगों को मैं कहते हैं कि मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि बॉडी बनाने के लिए फिर वही बात है सेक्रीफाइस और डेडिकेशन। जो लोग हम डेडिकेट करते हैं और हम जो सेक्रीफाइस करते हैं वो उन लोगों के पास की बात नहीं है। अब आपको कार्ब खाए हुए 1 महीना हो गया 1 महीने से आप 8 घंटे वर्कआउट कर रहे हो तो बंदा कैसे एडजस्ट कर सकता है जो सुबह 4 रोटियां दोपहर में 4 रोटियां रात को 2 रोटियां या साथ में रात को ड्रिंक चिकन करके फिर सोता है आराम से तो उसको कहाँ से चैन आएगा। बिल्कुल ठीक है और ऐसी बॉडी बनाने के लिए ये तो एक ड्रीम है इस बॉडी के लिए तो तपस्या है जी बहुत जबरदस्त। लोग हिमालय पर जाके तपस्या करते हैं मैं कहता हूँ वहां जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दो अपने आप तपस्या स्टार्ट हो जानी है क्योंकि जितने भी बॉडी बिल्डर हैं जो भी बॉडी बिल्डर है चाहे वो
अपने लेवल पर कुछ भी कर रहा है वो अपने अपने लिए बेस्ट देने की कोशिश करता है स्टेज के लिए, और वो सबसे बड़ी उसके लिए तपस्या है, डेडिकेशन है उसका, और वो सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा करता है एक बॉडी बिल्डर। बोलने के लिए कोई बंदा भी कुछ भी बोल सकता है, बोल देते हैं, मुझे भी बोल देते हैं लोग कि यार अब उम्र बहुत हो गई है, बस करो, क्या करना चाह रहा है, क्यों पागल हो रहा है, ठीक है। तो पागलपन के लिए भी कुछ पागल होना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है, कुछ अचीव करने के लिए पागलपन जरूरी है। और वो चीजें जब वो फील नहीं कर सकते वो लोग, वो हम फील कर सकते हैं कि हम जब स्टेज पे जाते हैं और स्टेज पे जब हमें मेडल दिया जाता है या कुछ ऐसा कोई बंदा आप जैसा बंदा हमें मिलता बोलता अरे कैसे हो, हाँ जी बढ़िया, तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डर को कुछ नहीं चाहिए, बॉडी बिल्डर को सिर्फ एक चीज चाहिए कि जो भी चीज वो कर रहा है उसकी मेहनत की पहचान, बिल्कुल ऑब्वियसली। अब काफी गेम्स ऐसे हैं कि जो से लास्ट एक गेम खेला था उसमें एक बंदे ने किसी का इंटरव्यू लिया, मैंने भी वो वीडियो देखी, बट मेरे को लेट उसका पता लगा, नहीं तो मैं रिएक्शन उसी टाइम दे देता उस बंदे को। तो कोई नया बंदा था जिसका फर्स्ट या सेकंड गेम होगा, बंदे ने पानी होल्ड किया हुआ था, तो जैसे ही उस बंदे को उसने बोला हाँ जी भूख लगी हुई है, कितना पानी था वो, पानी पियोगे, यार आप समझ नहीं सकते बंदे के साथ वो हंसे, हाँ वो लोग आपस में देख के हंस रहे, क्यों भाई, अरे करके देखो एक बार, होल्ड करके दिखाओ वाटर को दो दिन के लिए, कार्प को होल्ड करके दिखाओ तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए, और फिर पूछो, फिर हम पूछते हैं हाँ जी कैसा लगेगा भैया, कैसा लग रहा है आपको, मस्त हंसना कोई भी हंस सकता है, मैं भी हंस सकता हूँ, किसी भी बॉडी बिल्डर के सामने हंस सकता हूँ, लेकिन उस बंदे की जो बॉडी बिल्डर है उसकी सिचुएशन को देखो ना, आप उसको डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो, आप उसको मोटिवेट करो, या तो आपने इतना उसको बोला कि भाई हाँ पानी के लिए पूछा पानी पियोगे, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर वीडियो डालो ना, अच्छी तरीके से उसको बताओ कि ये इसकी लाइफ है एक बॉडी बिल्डर की, लेकिन वो चीज तो की नहीं हो, तो मजाक में उन्होंने उसको, और वो बच्चे के ऑलमोस्ट वो क्राइंग सिचुएशन में था शायद, वो बात ज्यादा हर्ट। देखो ऐसा है, कोई भी बॉडी बिल्डर है कितना भी पुराना, सबके साथ सेम सिचुएशन होती है, लेकिन जो पुराने बंदे होते हैं वो थोड़ा उसको झेल चुके होते हैं और वो जल्दी झेल जाते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो बिगनर हैं जिनका दो या तीन गेम हुए हैं वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेज में होते हैं, अगर कोई उसको हल्का सा भी डांट देता ना तो भी उसके अंदर से ना आत्मा दुखने लग जाती, तो बंदे का रोना निकल आता है, पता ही नहीं कि उसको हार्मोनल चेंज क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियली, तो उसको पता नहीं होता, तो इसलिए हम लोग जितने भी जो हमारे साथी हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे साथ बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं उनके साथ में प्यार से स्मूथली उनको सब समझाते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज करो, इस चीज को ऐसे करोगे ऐसे हो जाओगे, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, लेकिन मजाक नहीं बनाते हैं। तो आपके साथ यहाँ पे कौन है अभी? मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं मेरे दोनों, और शी इज माय वाइफ, प्लीज। मैं ये देख रहा था उसकी, वो आराम से दूर से देख के मुस्कुरा रहे थे, तो साथ में अभी विकास था, वो थोड़े स्टेज की तरफ गए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये इस उम्र पे आके, वैसे तो बड़े बिल्कुल भी नहीं है, यंग एडल्ट बोलते हैं, 45 इयर्स से बिलो टेक्निकली यंग एडल्ट बोलते हैं, डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं एक्चुअली उनको करने की जरूरत नहीं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि एक अच्छी फिजिक मेंटेन करना और फिटनेस फिट रहना, हमारे प्रोफेशन में तो हम लोगों को डेडिकेशन से बताते हैं कि तुम करो अपने आप को फिट रखो, तो जो हम आगे से फिट दिखेंगे तो उनको और मोटिवेशन मिलेगा, तो इसलिए मैं तो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इट इज अ ही इज अ आइकन। और आप क्या करते हैं? आई एम आल्सो नर्स। Oh, you're also a nurse, तो आप दोनों सिमिलर फील्ड में ही हैं। अच्छा, और आप किस तरह से सपोर्ट करती हैं डॉक्टर साहब को? जैसे डाइट वगैरह थोड़ा बहुत जान, फिर जो एक बार थक के आते हैं तब बोल देते हैं, कई बार तो मैं भी बोल देती हूँ यार छोड़ दो, क्यों इतना सैक्रिफाइस, इतना सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लेना नहीं, कई बार मैं खाना खा रही होती है बैठे हैं तो मुश्किल हो जाता है ना बहुत, अपने आप को भी एडजस्ट करना और उनको भी, बहुत सारी चीज़ों में बाहर जाना, या इधर से तो होता है ना शॉपिंग करनी है, ये थक रहे हैं जिम से आए ना, मेरे को है आज ऑफ है, शॉपिंग करवा दो, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, सैक्रिफाइस करना है। देखो हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट है, कितना जो कर रहे हैं, जो एक पहले प्लेयर थे, प्लेयर से अभी इनको बॉडी बिल्डिंग अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग लगा कि अच्छा और इजी गेम है,
तो जो ये बहुत जुनूनियत से करते हैं, बहुत जुनूनियत से लोग नहीं कर पाते, नहीं बहुत सारे लड़के नहीं करते इनको, ये तो इतने जुनूनियत से कि जिम में कुछ थोड़ा सा भी रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहा होगा ना उसको भी बोल देंगे कि नहीं, जिससे कई ट्रेनर बोल देते हैं नहीं छोड़ दो करता तो करता रहना मैंने क्या लेना हो सकता है ना बिल्कुल होता है पूरे टाइम होता है हां ये तो बोलते हैं नहीं भाई ये तेरा पोस्चर गलत है ना मैडम आपका पोस्चर गलत है तो ठीक है तो मेरे को बहुत खुशी होती है ऑल राइट सो गाइज ये थी स्टोरी एक हस्बैंड एंड वाइफ की एक डॉक्टर और एक नर्स और साथ में दोनों अपने प्रोफेशन से आगे बढ़ के एक दूसरे को सपने अचीव करने में सपोर्ट कर रहे हैं सो स्टे ट्यून्ड फॉर अ लॉट मोर ऑफ दी स्टोरीज एंड ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज साइन